Good morning, students. Today we will continue the lesson power sharing. In this chapter, I was explaining you regarding the Khalil's example. एक खलील नाम का व्यक्ति है जिसके नाम पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था. उसमें ये कहा गया था कि लेबिनान जो कंट्री है वहां पे पावर शेयरिंग जो है वो इस तरीके से किया गया था जैसे क्रिश्चियंस मुस्लिम्स ये दो मेजोरिटी लोग थे वहां पे, इनको अलग अलग पावर बांटा गया था कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा, ये उसमें बांटा गया था पावर. अब अपन ये देखते हैं इस लेसन में कि जो खलील है वो ये चाहता है, वो स्वयं एक मतलब उसका पिता जो थे वो क्रिश्चियन थे, उसकी मदर जो थी वो मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम थी. तो अपन ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर खलील दोनों टाइप के मतलब ही डिड नॉट लाइक द पावर शेयरिंग ऑफ द व्हाट वी कॉल लेबिनान. खलील को लेबिनान का जो पावर शेयरिंग है वो सिस्टम पसंद नहीं था. वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि पावर शेयरिंग इस तरीके से हो कि जिसके अंदर जैसे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जैसे इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन में जो जीतता है वो देश का राष्ट्रपति बने या प्रधानमंत्री बने, जो उस हिसाब से मतलब वो चाहता था. स्टूडेंट्स यू सी दैट खलील का जो आइडिया था वो एक अलग टाइप का आइडिया था, क्योंकि उसने मतलब लेबिनान के अंदर जो सिविल वार हुआ, आपस में लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो उसने नहीं देखा था. तो उसको जो एल्डरली लोग थे, जो वहां के लेबिनान के बुजुर्ग लोग थे, दे एडवाइज द खलील दैट सच ए कॉन्फ्लिक्ट हैड हैपन्ड इन लेबिनान, सो पावर शेयरिंग का जो एट प्रेजेंट जो सिस्टम है वो लेबिनान के लिए सही सिस्टम है. अब ये सिस्टम क्या था मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं. इट इज दैट द पोस्ट ऑफ द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फिक्स फॉर द ऑस्ट्रोनेट क्रिश्चियन. ये अलग अलग जैसे तीन था, प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी और प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से होना चाहिए. तो ये जो सिस्टम जो एक ऑकवर्ड लगता है, ये सिस्टम पावर बांटने का जो तरीका है, जो शक्तियां पावर मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं शक्तियां पढ़ रहे हैं अपन कि शक्तियों का बंटवारा कैसे हो, तो पावर का बंटवारा जो लेबिनान में था वो एक मतलब अजीब तरीके से था, वो कॉम्प्लिकेटेड था. इन अदर वर्ड वी कैन से इट वाज कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ द पावर शेयरिंग विच वाज नॉट गुड फॉर द व्हाट वी कॉल डेमोक्रेसी. अब खलील जो है हिमसेल्फ वांटेड टू बिकम ए पॉलिटिकल लीडर इन लेबिनान बट इट वाज हाईली इम्पॉसिबल फॉर हिम बिकॉज द सिस्टम ऑफ लेबिनान वॉज डिफरेंट एंड खलील सिस्टम दैट ही वॉन्टेड दैट इलेक्टेड पर्सन शुड रूल द कंट्री दैट वॉज द डिफरेंट आइडिया सो इट डिड नॉट मैच विद ईच अदर. एज ए रिजल्ट वी कैन से कि खलील का जो एक ख्वाब ही था वहां की पोलिटिकल लीडर बनने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका क्योंकि वहां का सिस्टम जो था वो खलील के विपरीत था. नाउ वी विल सी द स्टूडेंट In this same example, I will continue to. Now you see that he does not practice either his father's or mother's religion and does not wish to know either. ना तो उसने अपनी मदर का रिलीजन अपनाया ना उसने अपने फादर का रिलीजन अपनाया. ये दोनों अलग अलग रिलीजन के थे लेकिन खलील ने इनको नहीं अपनाया. Now you see that He cannot understand why Lebanon can't be like the normal democracy. खलील का जो क्वेश्चन था वो ये था कि लेबिनान जो है वो ऑर्डिनरी जो दूसरी कंट्रीज है दुनिया की जहां पे डेमोक्रेसी है उस तरीके से क्यों नहीं हो सकता. Now you see that he believed that whoever get the more vote he should rule the country. खलील का ये मानना था कि जिसको ज्यादा वोट मिले वो देश को रूल करे. Now you see, no matter which community he comes
इसमें चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, जिसको ज्यादा वोट मिले वो रूल करे। ये खलील की मतलब एक विश थी रिगार्डिंग लेबना। नाउ स्टूडेंट यू सी दैट व्हाई कांट वी डू दैट लाइक अदर डेमोक्रेसी डू। खलील का कहना यह था कि दूसरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रियां वहां पे ये सिस्टम होता है तो लेबनान में क्यों नहीं होता। दैट वाज हिज क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स यू सी दैट वन क्वेश्चन इज गिवन टू यू इन दिस द स्टोरी वाज नॉट फिनिश्ड। यहां पे ये जो कहानी जो ये एग्जांपल दिया है मैंने आपको खलील का, ये यहीं पे समाप्त नहीं होता है। इट डज नॉट गेट एंड हियर इटसेल्फ बिकॉज दिस इफ यू हैव द पावर टू री राइट रूल्स इन लेबनान व्हाट यू डू। नाउ क्वेश्चन अराइज हियर कि जिस तरीके से लेबनान के अंदर पावर का बंटवारा किया गया है, अगर उस तरीके से पावर का बंटवारा अपन रखते हैं तो वहां पे शांति रहती है, और अगर अपन उस सिस्टम को बदल देते हैं जैसे पावर शेयरिंग जो है वो खलील के हिसाब से कर देते हैं, जहां पे जिसको ज्यादा वोट मिले वो देश को रूल करे, अगर ऐसा सिस्टम लेबनान में लागू कर देते हैं तो वहां पे फिर से सिविल वार शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आप इसमें से किसको सपोर्ट करते हैं? जो वर्तमान में जो लेबनान का सिस्टम है कि क्रिश्चियन राष्ट्रपति बनेगा, मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा, ये मतलब जो वर्तमान का सिस्टम है उससे आप सहमत हैं, या फिर आप उस सिस्टम को लाना चाहते हैं जो खलील ने बताया है, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। नाउ इट इज अप टू यू व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट यू वांट इन लेबनान। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग इन लेबनान इट इज गिवन। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी दैट नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी दैट पावर शेयरिंग कितने प्रकार का या कितने प्रकार की पावर शेयरिंग होती है, कैसे अपन पावर शेयरिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, इसके बारे में अपन देखेंगे। स्टूडेंट्स यू सी दैट पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो लोगों के दिमाग में क्यों आया। पहले क्या था, पावर एक सेंट्रलाइज हुआ करता था, मतलब एक व्यक्ति के हाथ में सारे पावर हुआ करते थे। उसके अंदर क्या होता था कि जो भी डिसीजन वो व्यक्ति लेता था वो फाइनल माना जाता था, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। There was no interference of other people into the decisions taken by one person who had all the powers. Now we will see that students, this type of system, is it good? That depends. Sometime what happens? The person who have all the power, he may take wrong decision. कई बार क्या होता है कि जो जिसके पास में ये पावर्स होते हैं वो कई बार गलत डिसीजन भी ले सकता है। सो टू अवॉइड सच्चे प्रॉब्लम, इसको मतलब सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना है कि पावर का बंटवारा कर देना चाहिए, ताकि क्या होता है कि एक दूसरे के पावर को अपन जो है चेक कर सकते हैं, और जो भी व्यक्ति जिसको जो पावर दिया गया है वो अपने पावर के खिलाफ कोई काम करता है तो अपन उसको रोक सकते हैं। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग जो है वो होना जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स ये जो आइडिया था ये पहले लोगों के दिमाग में इसलिए आया कि कई जगह पे अपन देखते हैं दुनिया के अंदर कि जैसे एक एग्जांपल अपने बिगिनिंग में स्टार्टिंग में अपन ने श्रीलंका का देखा था, जहां पे सिंगाली भाषा बोलने वाले जो है वो मेजोरिटी में है और गवर्नमेंट जो है श्रीलंका की वो उनका फेवर लेती है। तो इस तरीके से अवॉइड सच्चे सिचुएशन, इस प्रकार की सिचुएशन को रोकने के लिए अपन को पावर का बंटवारा करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स दिस वी सी व्हाई पावर शेयरिंग इज नीडेड एंड व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वी कैन अडॉप्ट व्हेन वी शेयर द पावर, कैसा सिस्टम अपन अपना सकते हैं जब अपन पावर शेयरिंग करते हैं।
Now, students, you see that one basic principle of democracy is that people are the source of all political power. Democracy का एक सिद्धांत होता है, जिसका मतलब ये है, एक सिद्धांत ये होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर सब लोग जो होते हैं, देश के जितने भी सिटीजन होते हैं, वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक सिस्टम होता है। तो वो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? इलेक्शन के द्वारा। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, लेजिस्लेटर दे इलेक्ट देम एंड दे टेक द फाइनल डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। वो लोग जो है वो अपना पावर के हिसाब से काम करते हैं और फाइनल डिसीजन लेते हैं लोगों को, मतलब वेलफेयर के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, यू सी दैट इन द गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज। एक्चुअली में अपन डेमोक्रेसी अगर सही मायने में देखें, वेन वी सी द डेमोक्रेसी इन ए पर्टिकुलर वे, वी थिंक हमें ये देखना चाहिए कि बेस्ट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। सी देर इज डिफरेंस इन टू द डेमोक्रेसी एंड द रियल डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी के कई फीचर्स होते हैं, जैसे इलेक्शन टाइमली करवाना, वहां का मतलब जो है वो लोगों के अंदर इलेक्शन जब होते हैं तो जो कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में उनमें चॉइस देना, ये मतलब कुछ रूल्स होते हैं डेमोक्रेसी के। ये तो सब देश अपना लेंगे, कई कंट्रीज है दुनिया में जहां पे रेगुलर इलेक्शन होते हैं टाइमली, लेकिन वो क्या डेमोक्रेसी है? नो, वी कैनॉट से दैट ऑल कंट्रीज हु हैव द रेगुलर इलेक्शन दे बिकम द व्हाट यू कॉल दिस थिंग डेमोक्रेटिक कंट्री। दे मे नॉट बिकम द डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री इज दैट वेयर द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो पावर बंटवारा होता है, पावर का जो बंटवारा होता है वो सही होना चाहिए, तभी अपन उसको रियल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। अदरवाइज वी कैनॉट कॉल इट एज ए रियल और ए गुड डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, यू सी दैट एवरीवन हैज ए वॉइस इन शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। दिस इज वाई, ये क्यों कि क्यों होता है ऐसा कि पावर का बंटवारा किया जाना जरूरी है? ये इसलिए होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार होता है, एंड इसके लिए क्या किया जाता है? पावर का बंटवारा किया जाता है। दैट दिस ऑर्गन विल हैव सच एंड सच पावर, लाइक फॉर एग्जाम्पल अपन ये पढ़ेंगे फोरम ऑफ द व्हाट यू कॉल डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की कितने प्रकार का ये होता है, दैट सेपरेटली वी विल रीड इन दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, यू सी दैट पावर शेयरिंग वी विल सी स्टार्ट फ्रॉम हियर इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग किस तरीके से किया जाता है? स्टूडेंट, शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स लेटर। ये कई प्रकार से होता है। जो पावर का बंटवारा जो है, जो शक्तियों का बंटवारा जो है, वो एक तरीके से नहीं होता है। दिस टेक द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग को बांटा जाता है। पहला फॉर्म अपन ये पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग का फर्स्ट फॉर्म जो है, दैट आई विल एक्सप्लेन। यू सी द स्टूडेंट्स, इन ए डेमोक्रेसी देर आर थ्री पिलर्स, दिस लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, देन ओनली वी कैन से दिस इज द डेमोक्रेटिक कंट्री। सो लेजिस्लेटर के पावर अलग से बांटे जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के पावर अलग से बांटे जाते हैं और जुडिशियरी के पावर अलग से बांटे जाते हैं। मतलब किसके पास कितना और क्या क्या और किस प्रकार का पावर होता है वो अपन डिवाइड करते हैं, तभी अपन कह सकते हैं कि दिस इज रियल डेमोक्रेसी। अगर मान लो एग्जीक्यूटिव को अपन ने फॉर एग्जांपल पावर बांट दिया कि फॉर दे विल इनफोर्स द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटर,
मतलब लेजिस्लेटर का क्या काम होता है, क्या पावर दिया गया डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटर को। अपन एक एग्जांपल के तौर पर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री इंडिया इटसेल्फ। दिस इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड वेरी गुड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हियर वी सी दैट जो अपन जिन लोगों को चुनते हैं एज ए आवर रिप्रेजेंटेटिव, दे गो टू द पार्लियामेंट एंड मेक द लॉज फॉर अस। उनका क्या काम, पावर दिया गया उनको, लॉ कानून बनाने का पावर उनको दिया गया। स्टूडेंट्स, सेकंड क्या होता है, जैसे कानून तो बन गए, अब अगर ये कानून को लागू कैसे करें, इसको लागू कैसे करवाएं, इसके लिए अपन को दूसरा ऑर्गेन जो है डेमोक्रेसी का, और जो दूसरा पिलर है डेमोक्रेसी का, दैट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो जो पावर लेजिस्लेटर बनाते हैं उन पावर्स को एग्जीक्यूटिव जो है वो इन्फोर्स करता है, उसको लागू करता है। तो ये पावर बना दिया। अब देखो यहां पे ये स्टूडेंट्स कि इफ लेजिस्लेटर गोज रॉन्ग, अगर लेजिस्लेटर ने गलत पावर बना दिए, पावर का मिसयूज कर लिया और उन्होंने गलत कानून बना दिए, दैट लॉज विच आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, ऐसे कानून उन्होंने बना दिए जो देश के लोगों के हित में नहीं है, एंड दे आर नॉट आई मीन सपोर्टिंग ऑल्सो टू दैट टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इस तरीके से उसको चेक कौन करता है, एग्जीक्यूटिव उनको बताते हैं कि ये जो रूल आपने बनाया है इसका जो इम्पैक्ट है लोगों पर वो ये पड़ेगा, और ये देश के हित में है या अहित में है, दैट दे आई मीन एक्सप्लेन टू द लेजिस्लेटर। अब लेजिस्लेटर क्या करता है कि इसके अंदर क्या होता है, लेजिस्लेटर का पावर जो है वो किसके द्वारा चेक कर लिया गया, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, और एग्जीक्यूटिव जिस तरीके से इसको लागू करता है, अगर वो सही तरीके से लागू करता है इस रूल को तो देर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ दे यूज द डिफरेंट काइंड ऑफ वे, अगर वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं जो मतलब सूटेबल नहीं है लोगों के लिए, ऐसा कोई कानून लागू करने का तरीका अगर वो अपनाते हैं तो उसको एग्जीक्यूटिव चेक करते हैं, और इन दोनों के द्वारा अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको जुडिशियरी सही करती है। जुडिशियरी के पास में ये पावर होता है कि अगर वो गवर्नमेंट के बनाए गए कानून, उनको ये लगता है जुडिशियरी को कि इससे उनका वह फंडामेंटल राइट जो मतलब मूलभूत अधिकार जो होते हैं सिटीजन्स के, उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है तो दे टेक द एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दे में डिसमिस ऑल्सो दे कैन डू इन दिस मैनर। वो डिसमिस भी कर सकते हैं यानी कैंसिल भी कर सकते हैं ऐसा अगर कोई कानून सरकार लेके आती है, जिसको अपन जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि स्टूडेंट्स, पावर का बंटवारा डेमोक्रेसी की जरूरत है। हर बढ़िया डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग होनी चाहिए। पावर शेयरिंग का मतलब एक एग्जांपल अपन ने बेल्जियम का पढ़ा था, दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल, एंड लेबिनान का अपन ने पढ़ा, वहां पे सिविल वार को रोकने के लिए जिस तरीके से लोग वहां के लोगों ने जो सिस्टम अपना रहा पावर शेयरिंग का, दैट इज गुड फॉर द कंट्री। ऐसा अपन ने पावर शेयरिंग जो है वो कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो फर्स्ट इज दिस पावर शेयरिंग जो मैंने एग्जांपल दिया कि पावर को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशियरी में तीनों में बांट दिया जाता है, एंड दीज थ्री ऑर्गन्स, ये थ्री जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, ये तीनों आपस में एक दूसरे का पावर को वो कैसे यूज कर रहे हैं उसको चेक करते रहते हैं कि कोई गलत तरीके से तो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये इस तरीके से चेक करते रहते हैं। तो इसको अपन चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इनको, चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग। इसके अंदर एक दूसरे ऑर्गन जो होता है वो अपने अपने मतलब पावर का बंटवारा और वो उसका यूज किस तरीके से किया जाता है उसी के हिसाब से अपन इसको देखते हैं। टुडे स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अप टू हियर दिस चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड दिस इज पावर शेयरिंग फर्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग जो है इसका पहला भाग चेक एंड बैलेंस।
वो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू स्टूडेंट।